पॉलीथीन के प्रतिबंध के बाद मंगलवार को विभिन्न व्यापार व उद्योग संगठनों की बैठक मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, जीडीए के उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, व्यापारी नेता रमेश गुप्ता, विशाल गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने सभी व्यापारियों से पॉलीथीन पर लगे प्रतिबंध को पूर्ण रूपेण उपयोग को बंद करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्देश को नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हमारे विभिन्न विभागों के व्यापार कर, जिला उद्योग, नगर निगम और अन्य सभी विभागों के अधिकारी हर प्रकार के सभी लोग यही करते थे। हम लोग बचपन में तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। उद्देश्य से भाई हम अपने अगले आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। कल आप देखिए जहाँ भी इंसान पहुँच गया है वहाँ प्लास्टिक का कचरा पहुँच गया है, पहाड़ अगर वहाँ इंसानी कचरा बिखरा हुआ है तो वो प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए खतरे के ही रूप में लिया जा रहा है। क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण को सेव करें। प्लास्टिक के प्रभाव से हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पा रहा है। वो इसमें भरे हुए कूड़े के चक्कर में पूरा बाल्टी खा रहे हैं जिससे उनकी काफ़ी मृत्यु हो रही है। एक्टेरिया का वाहक बन रहा है जहाँ प्लास्टिक इकट्ठा हो गए, छोटे छोटे उसमें पानी आ गया तो वो मच्छरों को हैचरी पूरी बन जा रही है, आने लग रही हैं। तो इन सब के लेकिन निश्चित रूप से किस प्रकार हमारी जिंदगी में स्थान बना लिया है जहाँ एक तरफ इससे कुछ सुविधाएं बढ़ी लेकिन जो उससे पर्यावरण को या हमारे सामान्य जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका प्रभाव उससे हम सभी लोग परिचित हैं। इस्तेमाल के लिए, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके इकट्ठा करने पर और दैनिक जीवन में इसके उपभोग को रोकने के लिए होलसेल विक्रेता, निर्माता, उपभोक्ता सभी पर कुछ कार्रवाइयों का प्रावधान किया गया है। जो इन सब चीज़ों को नहीं कंट्रोल करते हैं उनसे चर्चा करने के लिए सर पूर्व में भी दो तीन गोष्ठियाँ दी गई हैं। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अन्य जीवन नाशक कूड़ा कचरा अधिनियम 2000 इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं मुख्य परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। इसमें इसको जो चेकिंग के लिए कि जिस कार्य हेतु नामित अधिकारी किसी भी प्रतिष्ठान में जा सकते हैं, किसी भी प्रतिष्ठान का सर्वे कर सकते हैं और आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे और आपको सहयोग करना अनिवार्य होगा। किसी भी ऐसे युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रवेश के लिए वो आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, वहाँ आपका सहयोग अपेक्षित होगा। सहायता प्रदान करने में विफल होने पर और सहयोग